वन। आइए स्ट्रेट लाइन पर और डिस्कस करते हैं। लास्टली हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट, पिछली बार एक फिक्स पॉइंट आपको गिवन था, अब की बार दो फिक्स पॉइंट आपको गिवन है। देखिए किस तरह से x, y, चलिए ये z। अब मान लीजिए मेरे पास एक फिक्स पॉइंट ये गिवन है, एक फिक्स पॉइंट ये गिवन है। अब आपको मालूम है दो फिक्स पॉइंट गिवन हो तो लाइन ड्रॉ करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं जी, कोई डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है जी। ये लीजिए जी, ये वो स्ट्रेट लाइन आपके पास हो जाएगी जो इन दो दिए हुए फिक्स पॉइंट से पास ऑन होगी जी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, विच इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों फिक्स पॉइंट से पास ऑन होने वाले लाइन की इक्वेशन मुझे ड्रॉ करके बतानी है जी आपको, या उसका फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है, राइट। तो आपके पास ये जो पॉइंट ए है इसकी अपनी कुछ पोजीशन है, दिस हैव सम पोजीशन। इसी प्रकार से पॉइंट बी का भी अपना पोजीशन है, फिक्स पॉइंट है जी ये। अब अगर इसे मैं वेक्टर ए से नोट कर दूं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, यानी इस पॉइंट की पोजीशन को वेक्टर ए से नोट करें, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, इसकी पोजीशन को बी से रिप्रेजेंट करें। अब आइए एक आर्बिट्ररी पॉइंट, यानी इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट हम पी सपोज कर लेते हैं और इस पॉइंट पी की पोजीशन को हम वेक्टर आर से नोट कर देते हैं, उसे हम वेक्टर आर से नोट करते हैं, करेक्ट। अब आइए देखते हैं कि ये जो एपी वेक्टर है, ये एबी वेक्टर के, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो आप बोलेंगे वेक्टर एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर एबी। वेक्टर एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर एबी। अब एपी कैसे लिखेंगे जी, एपी को आप लिखेंगे ओपी माइनस ओ ए लैम्डा टाइम, एबी को लिखेंगे ओबी, बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर दीजिए। अब पी की पोजीशन क्या है जी, दैट इज गिवन बाय वेक्टर आर, ये फिक्स पॉइंट है जी, वेक्टर ए से नोट हो रहा है जी। लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए मैंने, तो आर किसके इक्वल आ गया, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो पिछले बार जैसी इक्वेशन हो गई जी, वहां होती थी मेरे पास आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा और ये बी वेक्टर होता था जिसकी डायरेक्शन में आपके पास लाइन जाती थी जी। यहां उस डायरेक्शन को एक पॉइंट की पोजीशन में से दूसरे पॉइंट की पोजीशन को माइनस करके आपके पास उसकी डायरेक्शन निकल आ रही है जी, डायरेक्शन रेशियो निकल आ रही है जी। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गई, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू
two fixed points. करेक्ट, तो वेक्टर इक्वेशन आपको समझ में आ गई जी। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी, कार्टेशियन फॉर्म भी हम बना रहे हैं, और आपने देखा था लास्ट टाइम जब हमने कार्टेशियन फॉर्म बनाया था तो हमने इस आर को कुछ सपोज किया था जी। आर आपके पास एक आर्बिट्री पॉइंट की पोजीशन है, पॉइंट पी का, जिसे हमने एक्स आई वाई जे और जेड के से डिनोट किया, और इसे यहां पुट कर लीजिए, पुट करते हैं इसमें, यानी मेरे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक। ये तो इसके लिए आ गया, लेकिन अब वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए के लिए आपको जो कि फिक्स पॉइंट है जी, एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के, तो ए के प्लेस पर तो आपने एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के। अब आपके पास बी पॉइंट भी है, ये भी एक फिक्स पॉइंट है जी। इस बी पॉइंट को अगर मैं एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू, जेड टू के से पुट करूं, तो यहां देखिए जी, आर इज इक्वल टू, ये आर इक्वल टू ये ए था प्लस लैम्डा टाइम बी, ये बी माइनस ए है जी, तो बी में से ए को माइनस करते चलिए जी, जो कि आएगा आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे और प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। अब क्या रह गया जी, कंपैरिजन। देखिए जी, कंपैरिजन करता हूं आई वाली टर्म को आई से। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा एक्स, राइट हैंड साइड में आएगा एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन। लैम्डा का वैल्यू मुझे निकालना है, यहां से मेरे पास आएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। दूसरी जगह से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन। तीसरा रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा लैम्डा जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो पहले भी ऐसा ही था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए था जी, उस ए को यहां हमने निकाल लिया एक्स टू माइनस एक्स वन से, वाई टू माइनस वाई वन से, जेड टू माइनस जेड वन से। दिस ये ए था, ये बी था, और ये मेरे पास सी था जी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म जो मिली हमें, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म वो हो गया जी मेरे पास एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई जी। तो दो पॉइंट से पास ऑन होने वाले लाइन की ये वेक्टर इक्वेशन मैंने यहां आपको बताई थी जी, दिस वन, और वहां पर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म मिल गई, राइट। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये देखिए जी, ये प्रॉब्लम है मेरे सामने, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ये दो फिक्स पॉइंट दे दिए जी मुझे, और मुझे बोला गया कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से पास ऑन होने वाले लाइन की इक्वेशन आप फाइंड कीजिए। अब जो फिक्स पॉइंट थे उन्हें हमने वेक्टर ए 3i माइनस 2j माइनस 5k, एक फिक्स पॉइंट था,
दूसरा फिक्स पॉइंट वेक्टर बी से डिनोट किया था मैंने, 3i माइनस 2j एंड प्लस 6k। तो वेक्टर ए हमारे सामने है, वेक्टर बी भी हमारे सामने है, तो सबसे पहले दो पॉइंट से पास ऑन होने वाली वेक्टर इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। वेक्टर इक्वेशन उसको लिखा था हमने r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो पुट कीजिए वैल्यू को, ए आपके पास 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा, इस b में से इस a को माइनस कीजिए, 3 माइनस 3 0i आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 0j आ जाएगा आपके पास, 6 प्लस 5 11k आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास दो पॉइंट से पास ऑन होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम 11k, एक आंसर तो ये आ गया जी। ये तो हो गई जी वेक्टर इक्वेशन। अब बात आई कार्टेशियन फॉर्म की जी, कार्टेशियन फॉर्म को भी डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म जो मेरे पास लिखी थी हमने दो पॉइंट से पास ऑन होने वाली स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, वो है जी मेरे पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। अब ये सब कुछ है मेरे पास, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो पुट कर कीजिए जी, x माइनस x1 चलिए जी 3 ये वाला, y माइनस y1 प्लस 2 इक्वल टू z माइनस z1 यानी z प्लस 5। ये तो आ गया जी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब आइए x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 एंड 6 प्लस 5, तो आपके पास आ गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0 एंड z प्लस 5 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म हो गई। अब ये अपॉन में 0 आप नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन मत मानिए, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं होती है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी कि किस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है और किस पॉइंट से पास ऑन हो रही है स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास आ गया जी। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस प्रॉब्लम, इज इट फाइन राइट। आइए और क्वेश्चंस करेंगे अब हम। इस क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। अब जिस पॉइंट से लाइन पास ऑन होती है आप तो उसको वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, सीधी सीधी बात लिख दीजिए माइनस टू आई प्लस फोर जे एंड माइनस फाइव के। ये तो वो फिक्स पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास ऑन होगी एंड इज पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल है जी। यानी जो लाइन आपको चाहिए वो इस फिक्स पॉइंट से पास ऑन होती है, ये फिक्स पॉइंट आपको गिवन है लेकिन इस लाइन के पैरेलल है, बस केवल इस लाइन की डायरेक्शन को यूज करना है आपने। अब इस लाइन की डायरेक्शन कहाँ लिखी होती है जी, आप बोलेंगे नीचे लिखी होती है जी। तो समझिए ये वो डायरेक्शन हो गई जिससे आप 3i प्लस 5j प्लस 6k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास ये वो फिक्स पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास ऑन होगी, ये वो डायरेक्शन हो गई जहां से लाइन पास ऑन होगी। वेक्टर इक्वेशन लिखना है, पॉइंट गिवन हो, डायरेक्शन गिवन हो, फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बहुत आसान इजी। ए कितना
minus 2i plus 4j minus 5k plus lambda 3i plus 5j and plus 6k. बस इतना रखना, कुछ नहीं कहना. दिस इज द आंसर. तो ये तो मेरे पास थे जी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन हो गया जी. ये तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन. अब अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो तो अब कार्टेशियन इक्वेशन के लिए तो इस आर को एक्स आई वाई जे जेड के पुट कर लीजिए, या सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए ना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, ए का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू आपके पास ये था जी, जहां से पॉइंट लाइन पास ऑन हो रही है, प्लस टू करेंगे जिसे आप, वाई माइनस फोर इक्वल टू जेड प्लस फाइव, और डायरेक्शन क्या थी, थ्री फाइव सिक्स. ये लीजिए जी, थ्री फाइव एंड सिक्स, ये आंसर आ गया जी मेरे पास. तो वेक्टर इक्वेशन भी मैंने लिख ली, कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख लीजिए. फिक्स पॉइंट गिवन था और एक लाइन गिवन थी जिसकी डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो केवल उस गिवन लाइन की डायरेक्शन को मैंने यूज कर लिया और पॉइंट ये रहा जी मेरे पास. इज इट ओके? आइए और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट विद वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू दिस एंड दिस. देखिए जी, पहले तो वो पढ़ते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस. जिस पॉइंट से पास ऑन होता है उसे आप वेक्टर ए से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज 2i माइनस जे प्लस के. ठीक है, तो ये तो वो फिक्स पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास ऑन होती है. और साथ ही साथ दो पॉइंट्स गिवन है जिनकी पोजीशन है उसके पैरेलल बोला गया जी इस वेक्टर को जी. ठीक है, उसके पैरेलल ड्रॉ करने को बोला गया आपको. तो अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाए तो आसानी के साथ हम उस डायरेक्शन को पा सकते हैं जी. अगर मैं ये बोलूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी ये मुझे गिवन है और उन पॉइंट की मुझे पोजीशन नेगेटिव आई प्लस फोर जे प्लस के और पॉइंट बी का पोजीशन आई प्लस टू जे प्लस टू के की टर्म में गिवन है, तो ये मुझे वेक्टर ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जी इस पॉइंट से पास ऑन होने वाली जी. तो अब अगर मैं वेक्टर ए बी निकाल लूं, यानी बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर लूं, तो मेरे पास उस वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी जिसकी डायरेक्शन में मुझे उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना, जिसे वेक्टर बी कहते हैं जी. तो आइए जी बी की पोजीशन में से इसे माइनस करते हैं, वन ये टू आई आ जाएगा, टू जे में से फोर जे माइनस कीजिए तो माइनस टू जे एंड टू के माइनस के वो मुझे के दे देगा जी. तो देखिए जी मेरे पास ए आ गया, यानी वो पॉइंट आ गया जहां से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये आ गई वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लाइन जानी है जी. तो इक्वेशन आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, फिक्स पॉइंट, और ये वो फिक्स डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है जी. ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं. ए मेरे पास कितना है, टू आई माइनस जे और प्लस के प्लस लैम्डा, बी आपके पास टू आई माइनस टू जे एंड प्लस के. सिंपल, ये तो वेक्टर इक्वेशन आ गई जी हमारे पास. दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन.
उसके बाद कहता ऑल्सो फाइंड द कार्टिजन इक्वेशन। अब कार्टिजन इक्वेशन के लिए तो आपको क्या क्या चाहिए होता है जी, एक तो पॉइंट चाहिए होता है जो कि ये रहा जी, एक डायरेक्शन की जरूरत होती है ये रही जी। तो आप बड़े सोच समझ करके कार्टिजन इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, या कार्टिजन इक्वेशन इससे भी जनरेट कर सकते हैं, चलिए इसी से जनरेट करते हैं जी। कार्टिजन इक्वेशन को जनरेट करने के लिए हमने इस आर को कुछ सपोज कर लेना होता है। लेट आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कार्टिजन इक्वेशन लिखने जा रहे हैं अब हम, तो यहां पुट कर देते हैं आर की वैल्यू को, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम टू आई माइनस टू जे प्लस के। अब कंपैरिजन कर लीजिए, कंपैरिजन जब आप इसका करेंगे, आई वाले टर्म को आई से कंपेयर कीजिए, जे वाले को जे से कीजिए और के वाली को के से कंपेयर कीजिए, तो देन व्हाट वी गेट, एक्स इक्वल टू टू प्लस टू लैम्डा, यानी एक्स माइनस टू ओवर टू, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। वाई वाली टर्म को कंपेयर करें, y इक्वल टू माइनस वन माइनस टू लैम्डा, यानी y प्लस वन ओवर माइनस टू, और फिर z को कंपेयर करें तो z इज इक्वल टू वन प्लस लैम्डा, z माइनस वन ओवर वन इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यूज तीनों जगह से निकल गई मेरे पास, और मेरे पास कार्टिजन फॉर्म हो गई, x माइनस टू ओवर टू इक्वल टू y प्लस वन ओवर माइनस टू, y प्लस वन ओवर माइनस टू, और लास्ट हो गया मेरे पास z माइनस वन ओवर वन, दैट इज z माइनस वन ओवर वन। This is the result for this problem. आइए जी एक problem और देखते हैं। इस problem में find the coordinates of the point where the line through this and this crosses yz plane. बड़े ध्यान से देखें, आपको line बोली गई है इन दो points से pass on होनी है जी। बड़े आराम से equation लिख सकते हैं। आइए जी पहले Cartesian equation लिखते हैं उस लाइन की जो इन फिक्स पॉइंट से पास ऑन होती है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, दो दिए हुए पॉइंट से पास ऑन होने वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिखा करते थे x माइनस एक्स वन अपॉन में लिखते थे x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। आइए जी ये x1 ये y1 ये z1 ये x2 ये y2 ये z2, तो मेरे पास आ गया x माइनस 5, मेरे पास आ गया y माइनस 1, और मेरे पास आ गया z माइनस सिक्स अपॉन में x2 माइनस x1, 3 माइनस 5, 4 माइनस 1 एंड 1 माइनस 6, यानी आपके पास आ गया x माइनस 5 ओवर माइनस 2, y माइनस 1 ओवर 3 और z माइनस 6 ओवर माइनस 5। चलिए मैं इसको किसी k के इक्वल सपोज कर लेता हूं। तो मैंने किसी k के इक्वल सपोज किया, तो आप k के इक्वल फर्स्ट टर्म भी सेकंड भी और थर्ड भी। तो अब अगर मैं
यहां पर x माइनस फाइव ओवर माइनस टू को k के इक्वल पुट करूं तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू के प्लस फाइव, माइनस टू के प्लस फाइव। इसी तरीके से y माइनस वन ओवर थ्री, इसे भी k के इक्वल पुट करूं तो y का वैल्यू आ गया 3k प्लस वन। ऐसे ही z माइनस सिक्स ओवर माइनस फाइव इक्वल टू k, तो z का वैल्यू आ गया नेगेटिव 5k प्लस सिक्स। ठीक है, ये जो पॉइंट आपके पास x, y और z आ गए, इसे कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। और ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन कितना आ गया जी मेरे पास, माइनस टू के प्लस फाइव, थ्री के प्लस वन एंड माइनस फाइव के प्लस सिक्स। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है मुझसे, अभी तक तो मैंने देखो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकाली। अब मुझसे पूछा कि ये स्ट्रेट लाइन वाई जेड प्लेन को कहां पर कट करती है, जहां कट करती है वो कोऑर्डिनेट चाहिए जी मुझे। अगर आप ये मान लें कि यही वो कोऑर्डिनेट है, ये जो एनी पॉइंट निकाला मैंने लाइन पर, यही वो पॉइंट है जहां पर ये वाई जेड प्लेन को कट करती है जी। हमने लेट किया दिस इज द पॉइंट वेयर लाइन कट वाई जेड प्लेन, यही वो लाइन है जहां पर वाई जेड प्लेन को कट करती है। अब कोई लाइन जहां पर वाई जेड प्लेन को कट करेगी वहां पर वाई की और जेड की तो वैल्यू होगी, लेकिन एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो आप इस एक्स वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिए, इससे के की वैल्यू निकल आएगी जी आपके पास। आपने कहा ए लाइन कट वाई जेड प्लेन वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। अब एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है जी, नेगेटिव टू के प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो इससे आप k की वैल्यू निकाल लो जी, k की वैल्यू आपके पास निकल आई फाइव अपॉन टू। अब इस k की वैल्यू को इस एनी पॉइंट में पुट कर दीजिए, ये जीरो आई जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी जी। ठीक है, तो आपने कहा सो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था आपके पास वो जीरो आया जी। दूसरा पॉइंट आपके पास थ्री इंटू फाइव बाय टू प्लस वन, और तीसरा जेड जो कोऑर्डिनेट आया माइनस फाइव इंटू फाइव बाय टू प्लस सिक्स, जो कि जीरो आया, सेवनटीन बाई टू आया एंड माइनस थर्टीन बाई टू। तो ये वो पॉइंट आ गया जहां पर लाइन वाई जेड प्लेन को जाकर कट करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स और आप लेकर के सॉल्व करके देख लीजिए, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जी आप। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।